हाय गाइस, दिस इज वी सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एमएस पावर पॉइंट में व्यू टैब के बारे में समझेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में देरी ना करते हुए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो आज हम पावर पॉइंट में व्यू टैब के बारे में समझेंगे। गाइस, ये हमारा नॉर्मल स्लाइड है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल स्लाइड है। हाँ, आप इसमें अगर जाते हैं तो ये स्लाइड शॉर्टर होता है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे सभी स्लाइड को एक छोटे छोटे रूप में अलग से दे दिया है। यहाँ पे हम और भी स्लाइड रख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया स्लाइड सॉर्टर। इसके बाद में आता है नोट्स पेज। नोट्स पेज में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे गाइस, आप कुछ मैटर टाइप भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार से कुछ मैटर यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपका स्लाइड कुछ इस प्रकार से स्लो होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड शो। तो ये तो हुआ हमारा स्लाइड शो। इसके बाद में आता है गाइस आपकी मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मास्टर स्लाइड हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। गाइस, मास्टर स्लाइड बड़ा है, इसे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। यहां से आप क्लोज कर देंगे। इसके बाद में आपका व्यू टैब में हैंड आउट मास्टर आता है। आपका स्लाइड कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहां पे अगर मैं इसे व्हाइट में कर दूं तो आपको स्लाइड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे छोटे छोटे रूप में यहाँ पे स्लाइड आपको दिखाई देंगे। यहां से आप बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है गाइस? यहां से हम क्लोज कर देते हैं। दोबारा से हम व्यू टैब में जाएंगे। इसके बाद में आता है आपका नोट्स मास्टर। आप इस पर क्लिक करेंगे, नोट्स मास्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हेडर होगा, यहाँ पे डेटिंग टाइम होगा, यहाँ पे आप कुछ मैटर टाइप कर सकते हैं, यहाँ फुटर होगा और यहाँ पे आपका पेज नंबर होगा। क्लियर गाइस? इसकी मैं मास्टर स्लाइड की अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां से आप क्लोज करेंगे, आप व्यू टैब में जाएंगे। इसके बाद में आता है रूलर। आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप रूलर पर दोबारा क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करते हैं। ग्रिड लाइन में हमारा कुछ इस प्रकार से ग्रिड लाइन शो होता है। मान लीजिए आप इसे नहीं रखना चाहते हैं, आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है
जूम का, जूम में हमारा कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप जूम की साइज को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ली 200% ले लिया, तो हमारा जूम कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए आप फिट टू विंडो में इसे करेंगे तो हमारा इमेज स्लाइड कुछ इस प्रकार से दोबारा वैसे ही सेट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका कलर्स का। कलर्स में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कलरफुल में। आप इसे ग्रे स्केल में भी चेंज कर सकते हैं। ग्रे स्केल में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यहां से भी आप स्लाइड को चेंज कर सकते हैं ग्रे स्केल में। आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का इफेक्ट आपको जरूर दिखेगा। बैक टू कलर व्यू में आप जाएंगे, दोबारा आपको वो कलर व्यू में शो होता है। दोबारा से आप फिर व्यू में जाएंगे, यहां पे हमारा ग्रे स्केल कंप्लीट होता है। इसके बाद आप प्योर ब्लैक एंड व्हाइट पे आएंगे। आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको फिर ऐसे ही दिखाई पड़ता है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इसे दोबारा से कलर मिलाना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप फिर दोबारा से व्यू टैब में आएंगे। व्यू टैब में आने के बाद में कलर एंड ग्रे स्केल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आप न्यू विंडो पे आएंगे। न्यू विंडो पर आने पर आपको इसी प्रकार से एक नया विंडो मिल जाता है। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अलग से दिखाई देगा। मान लीजिए आप न्यू विंडो और भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये दोबारा से आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से आप न्यू विंडो को यहाँ पर से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे। अरेंज ऑल पे हमारा स्लाइड कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। सभी विंडो को अलग से यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम कैस्केड में जाएंगे। कैस्केड में हमारा कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई पड़ता है। आपको जो विंडो देखना है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। वैसे सभी विंडो में हमारा एक ही स्लाइड होगा। यहां पर से आप कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए आप क्लोज कर सकती हैं। इसके बाद में आप स्विच विंडो पे आते हैं। स्विच विंडो में जो फाइल, जो विंडो हमारा खुला हुआ है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारा तीन विंडो इस प्रकार से खुला हुआ है। हमें जो विंडो को शो करना है हम उस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार हम स्विच विंडो को ओपन करते हैं और देखते हैं। इसके बाद में हमारा मैक्रोज आता है। मैक्रोज में हम रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। मैक्रोज को मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। उम्मीद है गाइस
आपको व्यू टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।